तो भाई ये बात उस वक्त की है जब दो अजनबी फिर से एक स्टेज पर आग लगाने के लिए आए थे। अजनबी का स्टार्ट इस तरह से होता है कि माहिरा आंटी की हॉट एंटोरी होती है और आतिफ भाई तला यूनुस से एक्सपायर होकर इस गाने का स्टार्ट करता है और माहिरा बाजी को ताड़ने लगते हैं, लेकिन वो भी आतिफ भाई को ताड़ती है और एक स्माइल देकर आतिफ भाई को उलझन में डालकर वहां से रंगा रंगा रोजेस कर चले जाती है। अब आतिफ भाई पक्के आशिकों की तरह माहिरा बाजी के पीछे जाते हैं। आतिफ भाई ठहरे पक्के देसी तो वो दिमाग ही दिमाग में सोच लेते बच्चा लड़की हंसी तो मतलब फंसी, लेकिन माहिरा बाजी में कोई कम नहीं होती। जब कोई देसी लड़का ताड़ता है तो लड़कियों के ऊपर फर्ज हो जाता है कि उनको अब एटीट्यूड दिखाना है, लेकिन माहिरा बाजी जो कहीं वादियों में ही जाती जा रही थी। फिर आतिफ भाई बिल्कुल तहम्मुल से काम लेते हैं और माहिरा बाजी को रुक कर देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं इसके पांव तो उल्टे नहीं, ऐसा ना होना ये मुझे ऊपर ले जाए और इसकी तो ये जाए मैं बगैर टिकट के ऊपर निकल जाऊं। लेकिन आतिफ भाई पक्के आशिक होते हैं, रिस्क लेते हैं और रिस्क लेते लेते माहिरा बाजी तक पहुंच ही जाते हैं। माहिरा बाजी आतिफ भाई को हैरत भरी नजरों से देखती है और सोचती है आ गया कटवाने, लेकिन अपने आतिफ भाई बिल्कुल देसी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कटे या जुड़े, तो अपने आतिफ भाई चांस लगाते हुए माहिरा बाजी के साथ ही जाके बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को इस तरह देखते हैं जैसे शादी के पहले दिन दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे को देखते हैं। फिर माहिरा बाजी सस्ता वाला नशा करके दीवार पर चलने लगती है तो आतिफ भाई कहते हैं बावड़ी हो गई है के नीचे आजा मेरी फटने लगी है। फिर आतिफ भाई माहिरा बाजी को कहते हैं इधर आओ ये देखो वो क्या है। अब माहिरा बाजी समझ जाती है ये टोटली मुझे चेप बनाएगा, लेकिन फिर भी माहिरा बाजी और लड़कियों की तरह जाके देखना शुरू कर देती है। अब वो पता नहीं ऐसा क्या होता है माहिरा बाजी देखते ही नहीं और आतिफ भाई वहां से कट लिए। अब आतिफ भाई ठहरे देसी तो आतिफ भाई ने इशारों में बातें बहुत कर ली थी। अब आतिफ भाई ने सोचा प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो आतिफ भाई माहिरा बाजी के जुल्फों में हाथ फिरने लगते हैं। माहिरा बाजी अपनी अदाई दिखाते हुए अपने दिल दिल में कहती है सारा यार स्टाइल खराब कर रहा है मर्दूत। फिर आतिफ भाई को एकदम से काले घने आसमान में ऐसा क्या दिखता है कि वो देखने चले जाते हैं और जब काले आसमान को देखकर पीछे मुड़ते हैं तो उनकी हूर परी आतिफ भाई का बटवा लेकर रफू चक्कर हो जाती है। अब आतिफ भाई अपने बटवे को लेकर इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उनके बटवे में थे पूरे 100 रुपए और उन्होंने 5-5 रुपए जमा करके 100 रुपए जमा किए थे और सोचा था कि आज पठान के होटल पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर फुल चौड़े में कैप्सन का डब्बा पीऊंगा। अब आतिफ भाई अपनी हूर को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन आतिफ भाई जिसको हूर समझ रहे थे वो तो निकली चोर। लेकिन बस आतिफ भाई की हूर को जो ले जाना था वो ले गई, उसकी रात का पौवे का इंतजाम हो गया। लेकिन हैरत अंगेज बात ये कि आतिफ भाई समझ रहे थे उनके बटवे में 100 रुपए, लेकिन अफसोस की बात ये कि आतिफ भाई के बटवे में कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर से माहिरा बाजी वापसी उनका बटवा उन्हें देने आती हैं और आतिफ भाई उनको इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। लेकिन माहिरा बाजी अपने केपर बहुत अफसोस करती हैं और सोचती हैं कि थोड़े दिन और बर्दाश्त करके काटती तो वो सही था। और आतिफ भाई दिली दिल में सोचते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो मैं तेरे साथ रात को छत्ते की होता। लेकिन आतिफ भाई ने माहिरा का या माहिरा ने आतिफ का किसने किसका ज्यादा अच्छा काटा ये मुझे कमेंट में बताओ। और बस आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करे बगैर तो जाना नहीं, और बेल आइकन की तो बुंड मार दो। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियो हमारे अली जफर के सॉन्ग पर बनाऊं या थारा भाई जोगिंदर पर ही कमेंट में बताओ।